अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 की रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएशन, इसका फोर्थ पार्ट है माइनस आयोटा रेस 8। अब माइनस आयोटा इसको सबसे पहले तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये सॉल्व करो। तो आपको पता है आयोटा स्केट की वैल्यू होती है -1। अब आयोटा स्केट की वैल्यू -1 पुट करने के लिए इसको आपने इस फॉर्म लिखा, 2 से डिवाइड कर देना 8 को, 2 4 जा रहे, तो ये फैक्टर बन गया 2n4। अब आयोटा स्केट की वैल्यू -1 है, यहाँ पे ऑलरेडी -1 इसके साथ पावर यहाँ पे 4 आएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 रेस 4, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही है। नेक्स्ट है 6 पार्ट है इसका आयोटा रेस 27। अब 27 को 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको भी फैक्टराइज करने के लिए आयोटा 26 मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख देंगे। अब 26 इजीली डिवाइड करेगा 2 पे, 2 13 आर 26। अब आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू थी -1 पुट की, इसकी वैल्यू 13 है। अब पावर आपकी ऑड नंबर हो गई तो यहां पे अगर माइनस हो बेस के साथ तो आंसर माइनस में आएगा, जैसे -1 आ गया यहां पे मल्टीप्लाई बाय आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। अब 6 वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें तो इसका 5 पार्ट है -4 -8। जब भी आपने कैलकुलेट फाइंड करना है इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका साइन चेंज करेंगे, हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे आप, तो -4 यहां पर प्लस लिखा हो गया, रियल पार्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। 6 पार्ट है इसका आयोटा -3, तो इसका भी साइन चेंज करेंगे, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ये रियल है, तो माइनस आयोटा माइनस थ्री आ जाएगा, इसको सीधा करके लिख लेंगे क्योंकि रियल पार्ट पहले लिखते हैं इमेजिनरी बाद में, तो माइनस थ्री माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं तो वो देखें, -1 प्लस 2 आयोटा, लेट जी इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा, तो जिसके साथ आयोटा जी है वो रियल होगा, जिसके साथ है वो इमेजिनरी, तो रियल पार्ट ऑफ सी इज इक्वल टू -1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। यहां पे हम रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख देंगे। अब x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये रियल के साथ इक्वल कर दिया, प्लस का 1 आंसर जाएगा तो -1, तो 4 माइनस 1 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहां पे देखिए आयोटा y इज इक्वल टू माइनस 3 होता है, इक्वल इक्वल रखेंगे तो y माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क भी करना है।